सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आपके चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने ये वीडियो आप सबकी डिमांड पर बनाई है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने हैं आंसर शीट के अंदर और कैसे बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट में प्रेजेंटेशन करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हम बताएंगे वो सारे हमने एग्जामिनर से टीचर से डिस्कस करने के बाद में पूरी न्यूज़ कलेक्ट करी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम कोई भी सीबीएसई की लेटेस्ट टिप्स और बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए होगी तो दोस्तों हम अपने चैनल में सबसे पहले अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको आंसर शीट में आंसर लिखने पहले कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं कि ध्यान में रखने की ये गलती आप ना करो, जिससे नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो दोस्तों, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर करने हैं आपको, वो है कि हमेशा जो भी आप आंसर लिख रहे हो आंसर शीट में, हमेशा क्लियरली करो, मेंशन करो कि फर्स्ट आंसर है, सेकेंड आंसर, बिल्कुल क्लियरली सारा कुछ आंसर शीट में बताओ। दूसरा दोस्तों मेन पॉइंट है कि सारे क्वेश्चनों को सीरीज में लिखो। सीरीज का मतलब कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट से पेपर स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो कर दे 25th क्वेश्चन, उसके क्या करते हैं 24th क्वेश्चन, फिर 23rd, फिर 22 के लिए जगह छोड़ दी, फिर 21st करते हैं। दोस्तों, इसके कारण क्या होता है कि जो टीचर होता है वो आंसर मतलब सही तरीके से दे नहीं पाता। जैसे ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स और ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो टीचर कई बार गलती से इस क्वेश्चन में भी 4 मार्क्स देता है जबकि ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। तो दोस्तों, आपके 2 नंबर बीच में लॉस हो जाते हैं, कई बार ये होता है बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों, हमेशा यही ध्यान रखो कि हमेशा क्वेश्चन को सीरीज में रख करो। और दोस्तों, हमेशा एक गैप बना के रखो, हमेशा एक आंसर के अंदर गैप रखो। आंसर जैसे एक आंसर लिख रहे हो, उसके बाद में एक गैप, एक लाइन छोड़ो, फिर दूसरा आंसर लिखो, जिससे क्या होगा, बिल्कुल क्लियरली सारा कुछ पता लगेगा एग्जामिनर को, जिससे वो आपको बोनस के कुछ 2-3 नंबर दे देता है हमेशा। ये बात है दोस्तों, मैं सारा कुछ एग्जामिनर से डिस्कस करने के बाद में, टीचर से डिस्कस करने बाद में ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल ये बातें सही है। और दोस्तों, जो लास्ट में मेन पॉइंट, इससे हमेशा बच्चे नंबर कटवा लेते हैं कि कभी भी आंसर शीट में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करो। जैसे कई बच्चे बिटवीन का BW लिख देते हैं, बिकॉज को बी, कॉज ऐसे लिख देते हैं, कई एंड को ऐसे लिख देते हैं, और कई बच्चे एग्जांपल को इजी लिख देते हैं। ये बातें कभी मत करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल भी मेंशन कर रखा है कि जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करिए उनके नंबर कटते हैं 0.5, 1। तो दोस्तों, ये बातें थोड़ी ध्यान रखना, इसलिए दोस्तों मैंने स्पेशली वीडियो बनाई। अब दोस्तों, आपको आंसर में आंसर लिखने कैसे वो बताता हूँ। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जो आंसर लिखने हैं आपको, वो आपको नंबर वाइज देखने, चेक करने कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको आपको सिर्फ वन वर्ड के अंदर या फिर एक लाइन के अंदर आपको पूरा आंसर लिखना है। अगर आप 1-2 लाइन से ज़्यादा अगर आंसर लिखते हो तो आपके नंबर काटने के बहुत चांसेस होते, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में 1 वर्ड या फिर 1-2 लाइन सफिशेंट होती है। इसलिए हमेशा याद रखना कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप 5-6 लाइनें लिख रहे हो तो आपकी ओवर राइटिंग के नंबर कट सकते हैं। और दोस्तों, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपको सफिशिएंट है 3-4 लाइनें, उससे ज़्यादा आप कभी भी मत लिखो, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखने से आपके नंबर कट जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ओवरराइटिंग के 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कटते हैं, लेकिन जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी भी ओवरराइटिंग मार्क्स नहीं कटते। तो दोस्तों, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आपको आंसर लिखने का एक तरीका आना चाहिए, क्योंकि जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है उसके अंदर कई बार स्टूडेंट्स को आंसर आता नहीं तो भी उसको 2-3 नंबर मिलता है, वो उसके तरीके से ही आंसर लिखे, तरीके से टीचर उसको नंबर देता है। तो दोस्तों, जब भी आप 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो उसमें हमेशा आप ना पॉइंट में, हमेशा जैसे 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट लिखकर पॉइंट में आंसर लिखो। और अगर आप जब भी पॉइंट में आंसर लिखते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, जिससे टीचर लगता है कि स्टूडेंट्स को कुछ आता है, तो हमेशा पॉइंट में आंसर लिखो। दूसरा, एक पर्टिकुलर हेडिंग, जो जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कोई भी एक्सपर्ट जो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उसमें पहले पर्टिकुलर एक हेडिंग दो, उसको ऐसे हाईलाइट कर दो कि ये हेडिंग है, उसके बाद में नीचे से अपना आंसर स्टार्ट करो, जिससे टीचर लगेगा कि हाँ इस बच्चे को कुछ आते हैं। तो आपको प्रॉपरली हर एक सीक्वेंस में अगर आप आंसर लिखोगे, आपको सीक्वेंस में पॉइंट में दोगे आंसर, तो आपके प्रेजेंटेशन के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन लिख रहे हो उसके ऊपर सबसे आपको हेडिंग डालनी है, XYZ हेडिंग है जैसे कोई, उसको आप हाईलाइट करने के लिए नीचे 2 लाइनें कह सकते हो, या पूरे एक बॉक्स के अंदर उसको पुट करते हो, उसके आप अपना आंसर को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, आंसर पॉइंट ऐसे डाल सकते हो 1, 2, 3। ये मतलब आप पॉइंट में लिखोगे, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी लगेगी उतना टीचर आपको इंप्रेस होकर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। और दोस्तों, जो मेन क्वेश्चन मतलब जो मेन पॉइंट है, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आपको बहुत अलग तरीके थोड़ा आंसर लिखना पड़ता है, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे दोस्तों, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे 6 मार्क क्वेश्चन है कि 10th क्लास का एक क्वेश्चन है, हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन हो गया, SST का क्वेश्चन है ये,
ये 6 मार्क्स का आता है लगभग। तो इसको आप कैसे आंसर लिखना है आपको, तो इसके अंदर देखो दोस्तों आंसर लिखना है आपको, सबसे आप एम्प्लॉयमेंट की एक डेफिनेशन लिख दो, ये 6 मार्क क्वेश्चन है, सबसे आप एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद में आप जो एम्प्लॉयमेंट में आप जो पॉइंट्स लिखने वाले हो कि अपने ना पॉपुलेशन कंट्रोल करके और एक्सपर्ट कितने सारे पॉइंट हैं उनको आप ऐसे एम्प्लॉयमेंट लिखकर उसको एक पाई चार्ट बना दो ऐसे ईस्ट वे में, जैसे इस ऐसे फिर इसमें एम्प्लॉयमेंट लिखकर नीचे से 3-4 पॉइंट एक चार्ट बना दो जिसके अंदर आप सारे अपने पॉइंट लिख दो। फिर इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, हेडिंग दो उसके नीचे, जैसे ही अपने पॉपुलेशन की हेडिंग दे दी अपनों ने, नीचे दो लाइनें कैसी, फिर उसको एक्सप्लेन करो, फिर दूसरी हेडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके नीचे लाइन लिखो, फिर उसकी एक्सप्लेन करो, ऐसे करके पूरा आप कम से कम 1 से 2 पेज तक इस आंसर को एक्सप्लेन करो, जिससे आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको आराम से 6 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। आप इसको एक्सप्लेन करते हो जिस वे में, उस वे में आपको नंबर मिलते हैं, टीचर कभी भी आपका पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता। इसलिए दोस्तों आप एक्सप्लेनेशन, आप प्रेजेंटेशन अच्छी रखोगी तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे दिए, तो आप उस कॉन्टैक्ट में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करना, जिससे वो आप हमारे चैनल पर आकर ये वीडियो देख सकें। तो दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे हमारे चैनल को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो।